बिसम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इफेक्शस डिजीजेस सो विल स्टार्ट विद एस्केरिस लंबरकोइडिस एस्केरिस लंबरकोइडिस जो है राउंड वार्म है एक वन ऑफ द निमाटोड है राउंड वॉम्स में से आता है और लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है ट्वेंटी टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग इट्स वेरी लॉन्ग एंड ये भी फीको रूट से ट्रांसमिट करता है इसके क्लिनिकल फीचर्स जो पेशेंट को होगा ना वो बड़े वेग अब पेन है सा बच्चा होगा एन एडल्टाइज ऑफ एन दी एवरेज साइज एन लार्ज साइज ऑफल्ट एंड इट्स टेंजेंसी कि वो हर जगह जाकर ऑबस्ट्रक्शन कॉज कर दे बाइल डक्ट में पेंक्रेटिक डक्ट में ऑब्सट्रक्शन कॉज कर दे टर्मिनल आलियम में जाकर ऑब्सट्रक्शन कॉज कर देट कॉज इन द रिसप्शन वॉल्स हमरोजिक इन्फॉक्शन वगैरह या अपेंडिक्स को ब्लॉक कर दे तो अडल्टार्म कुछ भी कर सकता है इसके लिए अगर ये बाइल डक्ट या पेंक्रेटिक डट में चला जाए ई आर सी पी करते हैं ट्रमल आई एम में चला जाए तो वहाँ से इसे निकालते हैं पकड़ के तो ये जितना बड़ा है उतने इसके मसले हैं। ठीक इन्वेस्टिगेशन ईसिनोफीलिया और कई दफ़ा तो ये है कि अडल्ट वम या मुंह के रास्ते या एनल रूट पे खुद दिख जाता है निकल आता है ना वाम तो इट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई और यहाँ फिर वो वर्म्स दे आर डिमॉन्सट्रेटेड रेडियोग्राफिकली बेबैरियम एग्जामिनेशन एंड देर इज ईसिनोफीलिया बाकी इस तरह इसकी ट्रीटमेंट क्या है अलबेंडाजॉल और आइवर जिस तरह स्ट्रॉगलाइडीज की स्ट्रॉ स्ट्रॉन्ग गाइलोइडियाज की थी ना आइवर मैक्टिन और निबेंडाजोल या अल्टरनेटिव अलबेंडाजॉल इस तरह इसकी भी अलबेंडाजोल और आइवर मैक्टिन प्रिकॉशन क्योंकि फीको और लूट से ट्रांसमिट करता है वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के इस्तेमाल करें हाथ धो के खाएँ वगैरह एंड्रोबियस वर्मिक्लारिस थ्रेड वाम जिसे पिन वाम भी कहते हैं ये एनल रीजन में जाके फीमेल जो है इसकी वर्म एग्जले करती है और अराउंड द इनस और फिर अगर कोई बच्चा इचिंग उस एरिया पे करे और वो फीक और फिर वो चलता रहता है एक रूट चलता रहता है तो और इसको हाउ डू इन्वेस्टिगेट ओवा इस तरह इन्वेस्टिगेट होते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग स्कॉस्टिक टेस्ट या सेलोफिन टेस्ट टेप यूज़ करते हैं टू वो स्टिकी होते हैं वहाँ पेरिनल स्किन पर पे लगाते हैं और वहाँ पर जो एग्स जो हैं वो सेलोफिन टेप पर आ जाते हैं इन द मॉर्निंग ये ऑप्शन की स्लाइड बनती है और वो देखे जाते हैं कि अच्छा देर आर ओवास उसको और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं बाई एल्बेंडाजोलिमी बंडाजॉल और पेरेंटल पेमोइड यहाँ पे ब्राजीन सब भूलें अलबेंडाजोलिमी बंडाजोल और पेरेंटल पोमोड पेमोइड दे आर मोर देन ना नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट दिस इज इशनो कोकस ग्रैनुलोस टीनिया इशनो कोकस या हाइट्राडेड डिजीज इसे कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये बीमारी मोस्टली डॉग्स में डॉग्स आर द डेफिनेटिव होस्ट वहाँ पे जाके अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं लेकिन ह्यूमन बेचारे ऐसे इंटरमीडिएट होस्ट बन जाते हैं इंटरमीडिएट होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट पर नहीं एक्सीडेंटल होस्ट एंड होस्ट जिसे कहते हैं ना इंटरमीडिएट होस्ट तो शीप्स वगैरह होते हैं और डेफिनेटिव होस्ट डॉग्स होते हैं इंसान इसलिए क्यों फंस जाता है क्योंकि वो अंडर कुकड मीट खा लेता है बस फंस गया अब वो ओवन जो है स्माल इंटस्टाइन के थ्रू जाएगा इज लिब्रेटेड फ्राम द ओवन इन द स्मॉल इंटस्टाइन वहाँ से जाएगा और चाहे वो लिवर में जाए पेंक्राज में जाए ब्रेन में जाए जहाँ मर्जी जाए अपनी एक सिस्ट बनाएगा सिस्ट की होंगी दो लेयर्स बाहर वाली एक लेयर होगी और एक अंदर वाली लेयर होगी जो बाहर वाली लेयर होगी जैसे ये है ना इसके बाहर वाली लेयर ओवर से तो निकल आए ना फिर जिस तरह ये बनती है सिस्ट एक इसकी बाहर वाली लेयर है उसको एक्टोसिस्ट कहते हैं फिर इसके एक अंदर लेर होगी उसे एंडोसिस्ट कहेंगे और उसके अंदर जो है हमारे पास डॉटर सेल्स हैं या ब्रूट कैप्सूल सिस्टिक जैसे लिखा राइज टू डॉटर सिस्ट और जर्मिनल जर्मिनेटिंग सिस्ट ब्रूट कैप्सूल्स इन विच लावा प्रोटोलिस डिवेलप डॉटर सिस्ट डिवेलप करते हैं इन कैप्सूल जैसे ब्रूट कैप्सूल कहते हैं इसका क्लिनिकल फीचर क्या है वही राइट लोब में पेन और चेस्ट एक्सरे में राइट right लोब आपको अपलिफ्ट दिख सकता है लेकिन नॉट नेसेसरी इट विल यूजअली कंटेन अ सिंगल सिस्ट मैनी भी हो सकती हैं बट यूजली इट्स अ सिंगल सिस्ट मीट फाउन इन लंग ब्रेन बोन एंड एनीवेयर एल्सवेयर इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग चेस्ट एक्सरे को बताया अल्ट्रासाउंड में आपको सिस्ट दिख जाएगी क्लिनिकल डायग्नोसिस है अलाइसा टेस्ट भी करा सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन डी अगर ये लंग्स में जा रही है तो इसे हम कहते हैं एल्ब्यूलर हार्ट डिजीज सॉरी लंग्स में नहीं जा रही अगर तो ये इस तरह लंग, लिवर को ऐसे शो करिए जैसे कैंसर है कैंसरस लाइक मैस लाइक ग्रोथ है तो उस सिनेरियो में ए, इसको कहते हैं एल्ब्योलर हार्ट डिजीज़ स्पेशली ए, जिस इशू कोकस के साइकिल में फॉक्सिस और वुल्व्स इन्वॉल्व हो हाउ यू मैनेज एल्बेंडाजोल मिबेंडाजोल प्लस चूंकि ये सिस्टम सिस्ट को कैसा कहना है? ये सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट होता है इसे पेयर कहते हैं पी से है परक्यूटेनियस पंक्चर हम पंक्चर करते हैं और पंक्चर इतने आराम से करते हैं कि सिस्ट फैले ना सिस्ट का एकदम सारा कंटेंट बाहर स्पिल ना हो क्यों बिकॉज इट कंटेन्स एन वो क्या ई सोनो फिलिक्स ये सीनोफिलिक मटीरियल होता है ना एनफिलेक्टिक शॉक में लेकर जा सकता है पेशेंट को पंक्चर करेंगे एक्सपायरेट करेंगे हम इंजेक्शन डालेंगे इस एजेंट का जो कि उसको बहुत ही वो कर देगा कंट्रैक्टेड स्टेट में स्टेटमोसिस्ट को लेगा देन विल अगेन रीएसपरेट एलब्रट ड के साथ प्रेजे क्वांटल देंगे और वही सारे सिचुएशन के डॉग्स और शीप से बच के रहें उनको वैक्सीनेट करें अपनी ट्रीटमेंट के लिए हाथ धो के खाना खाएं और प्रिवेंशन ज़्यादा प्रिवेंशन इज ऑब्वियसली बेटर कैनिडियाज थ्रेश कैंडिडे ऐसे और फेरेंग्स में या वजाइनल एरिया में या जहाँ भी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा है किसी दिन भी बॉडी की बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई इम्योनोप्रेड पेशेंट में जैसे होती है डायबिटिक पेशेंट में जैसे होती है तो बस सीवियर और फ्रेंजल नहीं तो फेजल कैंडिडे ऐसेज हो जाना और वो मोस्टली इन पेशेंट में होते हैं जो इम्यूनोकम्प्रेसड है जिनका सी डी फुल काउंटिन एमसोसाइड बहुत ज़्यादा कम है या डिप्लीटेड है या डिसफंक्शन है कुछ ना कुछ चल रहा है तो फंगल इन्फेक्शन में इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं इट्राकोनाजोल से एंटी फंगल इट्राकोनाजोल टर्बिनाफीन बस ये यूज करते हैं देन हमारे पास नेक्स्ट जो है बीमारी है एंड दिस इज़ द सेकेंड लास्ट बीमारी राइजो म्यूकोर या म्यूकोर स्पीशीज हैं या स्पीशीज स्पीश फैलती है इसने क्या करना है नक्रोसिस करना है ये फंगस ऐसे है जिसने करना ही नेक्रोसिस है वो चाहे क्रेनो फेशियल एरियाज पे करे या राइनो सेरब्रल एरियाज में करे नाक को इन्वॉल्व करती है ब्रेन को इन्वॉल्व करती है मुंह को फेशियल एरिया को इन्वॉल्व करती है लंग्स पल्मोनरी कोटेनियस स्टामिक डिजीज हर जगह नक्रोसिस ने कर देनी है दिस इज ऑलमोस्ट फैटल इफ लेफ्ट अंड्रीटेड मोस्ट कॉमन प्रस्पोजिंग फैक्टर है कि अगर कोई पर्सन इम्यूनो कम्प्रोमाइजड हो फ्रॉम न्यूट्रोपिनिया uh, या स्टेम सेल की ट्रांसप्लान जिसकी वजह से इम्यूनो कम्प्रोमाइजड है या फिर उसकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या फिर वो आयरन चलेशन थेरेपी विथ डिफ्रॉक्समीन और फोर्थ कंडीशन को भी कि उसको स्वियर बर्नस है जिसकी वजह से uh, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है डेफिनेटिव डायग्नोस ऑब्वियसली कल्चर बटो हिस्टोपेथोलॉजिकल जो कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड क्योंकि फंगाई है फंगाई में भी इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स तो उसको कल्चर्स के बजाय आप हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कल्चर्स तो कंटेमिनेट भी हो सकते हैं बहरहाल हमने एंटीफंगल थेरेपी देनी है और जी उसको कर देना सर्जिकल डिब्राइड एंटीफंगल थेरेपी में क्या उसने नाम लिखे ड्रग्स के एम्फोटेरिसिन बी लिखा है सुहा लिखा है नाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द करंट हॉट टॉपिक दैट इज़ कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन का बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर यू एच एस में भी आया हुआ है कोविड नाइनटीन का कि ट्वेंटी एट ईयर्स के एक वर्किंग स्टाफ मेबर है पैरामेडिकल आई सी यू में है बिज़ी इन पब्लिक हॉस्पिटल और तीन दिन से बुखार है ड्राई कफ सोट थ्रोट अन फटीक और टाइडनेस है उसका सस्पेक्शन है कोविड का अब उसने टेस्ट बोले हाउ वट आर द टेस्ट टू डायग्नोज मतलब इन्वेस्टिगेशन एंड वट आर द इंडिकेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अब जो कई में ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया दैट वाज अबाउट के एक चालीस साल का आदमी है जो कि शादी अटेंड करके आया है जस्ट लाइक टिपिकल पाकिस्तानी डज तीन दिन से बुखार है दो दिन से खांसी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तीन दिन से ब्लड प्रेशर वन टन और सेवेंटी पल्स नाइन्टी टेम्परेचर हंड्रेड रेस्परेटरी रेट इज़ थर्टी अना मैं ये थर्टी पर क्यों गौर करूँगी आगे ये सेचुरेशन पर भी गौर करें नाइन्टी है सॉरी एटी नाइन नाइन्टी से कम है और जो रेस्पिरेटरी रेट इज़ जो थर्टी और मोर देन थर्टी तो ये जो होती है ना ये इट्स वन ऑफ द साइंस के मसला संगीन है स्वयर की तरफ जा रहा है लिम्फोपिनिया है डी द रेज थी रिएक्टिव प्रोटीन रेज सीरम फेराटिन रेज सीरम फेराटिन इज वन ऑफ द मार्कर्स ऑफ इन्फ्फ्लेमेशन टू ठीक है सिर्फ आयरन के स्टोरेज को नहीं बताता है एल डी एच रेज चेस्ट एक्सरे शोज बायटल इन्फिल्ट्रेट तो इट्स आल्सो कोविड नाइनटीन यहाँ उन्होंने डायग्नोसिस पूछा मैनेजमेंट पूछे और फर्दर इवेस्टिगेशन पूछिए इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है प्रजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी कोविड नाइन्टीन की नॉट टू Go through again, but you all know. के प्रोबाबले कोई एज मैन का आएगा नॉट नेसेसरी लेकिन इट कैन भी के ऑब्बियसली स्वेयर पेशेंट हॉस्पिटल स्वेयर पेशेंट ही हॉस्पिटल आते हैं मिडिल एज मैन विद हिस्ट्री ऑफ ड्राई कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फीवर मैल या लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या एडवाइस करेंगे एडवाइस पी सर कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट सी बी सी सीरेक्टिव प्रोटीन्स डिडाइमर एंटोलिकुन सेक्स के साइटोकिन रिएक्शन में तो नहीं जा रहा प्रो कैल्सिटोनिन सीरम फेराटिन चेस्ट एक्सरे टू सी द इफिल्ट्रेट्स हाई रेजोल्यूशन सी टी और ए भी चीज़ अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटरी तो सपोर्ट पे आता है तो अब इस सब टेस्ट करने के बाद आपने देखना है कि क्या है हॉस्पिटलाइजेशन के क्राइटेरिया कैसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए अब ये वाली बात आती है जो मैं कहती है रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन थर्टी है या पेशेंट जो डिस्पनिक है उसे सांस नहीं आ रहा एडमिट द पेशेंट इफ द पेशेंट सेचूरेशन जो है लेस देन नाइन्टी फोर है लेस देन नाइन्टी है लेस देन नाइन्टी फोर है नॉर्मली अगर वो अपना ख़ुद विदाउट एनी एड जो है वो सांस ले रहा है और उसकी नाइन्टी फोर से कम है या देर इज डिक्रीज इन सैचुरेशन अपू नाइन्टी परसेंट विद एम्बुलेशन किसी एड के साथ भी उसकी नाइन्टी से कम जा रही है तो फिर एडमिट द पेशेंट और अगर कोई क्लिनिकल कंसर्नस ऐसे एमरजेंसी डिपार्टमेंट कहते हैं कि इन इन साइंस हैं कोई ऐसे साइंस हैं दैट विच कैन फर्दर कॉम्प्लीकेट द केस और आउट पेशेंट पर पे उसकी डेथ हो सकती है अगर उसको आउट पेशेंट की तरह ट्रीट करा ही इज़ ही इज़ ऑन अ रिस्क हाई रिस्क कि उसके कॉम्प्लीसन हो सकते हैं हाई कम्प्लीकेशन हो सकती है फ्रॉम सीवियर कोविड नाइन्टीन तो एडमिट द पेशेंट हाउ वुड यू ट्रीट अगर तो माइल्ड केस है तो so, आप उसे सपोर्टिव केयर देंगे तो घर में भी ट्रीट हो सके सपोर्टिव केयर पैनाडॉल फॉर फीवर कफ सिरप दें उसको ड्राई कफ के लिए फॉर दैट दे आर दी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम सारे सुपरट बैक्टेरियल इन्फेक्शन को कवर कर देगी एस्पिरिन 75 मिलीग्राम फॉर डीआईसी प्रोफाइल एक्सेस के लिए थ्रम्बो प्रोफलेक्स इसके लिए बेसिकली मल्टी और वायटामिन सी डी कैलसी सी थाउजेंड जो हम देते हैं जिंक भी मॉडरेट और सवियर केस है जैसे बताया जिस जिसपे एडमिट और कर रहे हैं हम पेशेंट को एज फोर्टी से अबव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्नी के ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल्स बिलो नाइन्टी फोर या नाइन्टी विद एम्बुलेशन कोमॉर्बिडिटीज़ हैं साथ और डिफ्यूज लंग इन्वॉलमेंट ऑन एच आर सी टी कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स हैं कोई मॉडोरेटिस हैं जो मसला कर रही हैं अब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ लंग इन्वॉलमेंट है एच आर सी टी पे तो फिर आपने उसे मॉडरेट और स्वेयर केस लेवल करके एडमिट करना ही करना है ट्रीटमेंट ऑक्सीजन सपोर्ट आई वी रेमेडिसिविर रेमेडिसिविर इज़ एंटी वायरल आयुर्वेद एक्सा में तो सॉन कॉर्टिकोटीरोइड जो पेशेंट जो हैं बॉस यानी क्रिटिकल हैं सेवन टू फोर्टीन डेज़ के लिए एंड देन वी हैव टू ग्रेजुअली टेपर एटॉप थ्रम्बो प्रोफाइल एक्सिस यहाँ पर एस्प्री नहीं देंगे रिवारो रिवोरॉक्साबैन देंगे फिफ्टीन मिलीग्राम बी डी और रिवरॉक्साबैन क्यों दे रहे हैं यहाँ पर इसका ना एफिशंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस्प्रीन इट इज़ प्रिवेंटिव अगेंस्ट डीपिनस थ्रम्बोसिस और पलमरीबोलिज्म के लिए ना प्रिवेंटिव होता है टैबलेट मॉक्सीफलॉक्सिन सेवन डेज पर सुपरेटेड इन्फेक्शन इसके साथ वाइटमिन और मिनरल्स देने हैं और अगर कोई पेशेंट जो है वो आता है वेंटिलेटरी सपोर्ट मांगता है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे बट इफ़ द पर्सन इज़ ऑन वेंटिलेश वेंटिलेटर और या फिर उसे साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम भी हो रहा है तो उसको प्लाज्मा फेरेसिस का कैंडिडेट भी समझ के उसको उसके लिए प्रेसक्राइब करेंगे सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई होप इट वॉज हेल्पफुल जैर